हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और अपने एटीट्यूड को आपने पॉजिटिव बनाए रखा होगा। और आपका ये एटीट्यूड ही जो बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव बना करके रखते हैं तो आप अपने आप ही खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि आप अपने इस एटीट्यूड की वजह से कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों हर मुसीबत की चाबी है, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम ना होने दें। जब भी आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो अपने अंदर छिपी हुई उस प्रतिभा को देखने की कोशिश करें, जिस प्रतिभा की वजह से आप अपने दूसरे आसपास के लोगों से अलग दिखाई देते हैं। आपकी ये प्रतिभा आपके अंदर वापस से पॉजिटिविटी को भर देगी। ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर इंसान को कोई ना कोई प्रतिभा दी है, कोई ना कोई ऐसी एक जादू भरी चीज दी है जिसे सिर्फ हमें ध्यान देकर के पॉलिश करने की जरूरत है। अगर हम उसे पॉलिश करते जाते हैं तो हम बाकी जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे अलग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, और यही अलग दिखाई देना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता है। सो मेक श्योर कि जब भी आपको रोजाना 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम मिले, और नहीं भी मिलता है तो प्लीज निकालिए और अपनी उस प्रतिभा पर ध्यान दीजिए, उसे निखारिए, उसे संवारिए, उसे पॉलिश कीजिए और बन जाइए थोड़ा सा हट करके। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं दो चीजों से बनने वाले एक ऐसे फेस मास्क और हेयर मास्क के बारे में। जी हां दोस्तों, एक ही चीज है जो फेस मास्क का भी काम करेगी और हेयर मास्क का भी काम करेगी। एक ऐसी चीज जो कि आप बालों के साथ साथ अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर, कहीं पर भी लगा सकते हैं, जो सिर्फ दो चीजों से बनने वाली है। आपके बालों को ड्राइनेस से छुटकारा दिलाएगी, आपके बालों को ड्राइनेस जो हो गई है, फ्रीजीनेस जो हो गई है, डलनेस जो आ गई है, उसको वापस चमकदार बना देगी, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगी, बालों को लंबा घना मजबूत बनाएगी और साथ के साथ में आपके चेहरे को भी चमक देने का काम करेगी। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने ब्यूटीफिकेशन को ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये छोटा सा एक वीडियो आपकी खूबसूरती को और भी कई गुना ज्यादा तक बढ़ा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं कॉमन चीजों की जो कि हमारे स्किन पर और हमारे बालों पर दोनों पर लगाई जा सकती हैं, तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आता है वो आता है दही। दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को टैनिंग से फ्री बनाता है, आपकी स्किन की अनइवननेस को कम करता है, आपके डार्क सर्कल्स को लाइटन अप करता है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो एजिंग आपके चेहरे पर अब दिखाई देने लगी है उस एजिंग को भी ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे फेड अवे करता जाता है। तो लैक्टिक एसिड से भरपूर दही यहां पर बेहतरीन विकल्प होगा। और अगर हम बालों की बात करें तो यही दही आपके बालों को पॉलिशिंग इफेक्ट देता है, आपके ड्राई, डैमेज्ड, फ्रीजी, रफ बालों के ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके बाल ज्यादा नरिश्ड, ज्यादा पॉलिश्ड और ज्यादा शाइनी और स्मूथ नजर आते हैं। सो हमें यहां पर दही लेना है। अब दही जो है वो हमें स्ट्रेट अवे नहीं ले लेना, दही हमें एक छलनी के अंदर डाल करके लगभग 5-6 घंटे के लिए रख देना है। तो आप एक बड़ा कटोरा लीजिए या कटोरी लीजिए, उसके ऊपर छलनी रखिए, छलनी में दही डालिए ताकि उस दही के अंदर जितना पानी है वो पानी पूरा का पूरा निकल जाए। जितना ज्यादा पानी आपकी दही में होगा उतना कम इफेक्टिव आपका दही हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दही के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। आप छलनी की जगह पर एक कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि जैसे आप श्रीखंड बनाते हो, श्रीखंड बनाने के लिए आप दही को कपड़े के अंदर बांध के लटका देते हो, बिल्कुल वैसे भी आप करोगे तो भी चलता है। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज मिलानी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। यहां पर हमें लेना है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल जो है वो बेहतरीन बालों के लिए और बेहतरीन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। जोजोबा ऑयल के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारी स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट देता है, स्किन के ऊपर जितने भी आपको ओपन पोर्स दिखाई देते हैं उन्हें श्रिंक करने का काम करता है, आपकी स्किन के अंदर जाकर के कॉलेजन और इलास्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर होने वाली फाइन लाइंस, रिंकल्स और जो क्रोज फीट मतलब आंखों के आसपास जो लाइंस आपको दिखती हैं
उन सब से आपको छुटकारा दिलाने में मदद करता है। बालों की अगर हम बात करते हैं तो बालों को ये पॉलिश्ड इफेक्ट देता है, साथ के साथ आपके बालों की जड़ों को ये नरिशमेंट देता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, हेयर फॉल खत्म होता है, डैंड्रफ खत्म होता है और स्प्लिट एंड्स भी धीरे धीरे खत्म होते हुए चले जाते हैं। लेकिन कितने दही में कितना जोजुबा ऑयल मिलाना है इसकी बात करें, उससे पहले यहां पर हम बात करें कि कौन सा जोजुबा ऑयल आपको लेना चाहिए। तो जब भी जोजुबा ऑयल की बात आती है, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको विश केयर का 100% प्योर जोजुबा ऑयल लेना चाहिए, क्योंकि विश केयर एक ऐसा ब्रांड है जो कि हमें 100% प्योर जोजुबा ऑयल देता है, जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं की गई है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर, कोई भी आर्टिफिशियल परफ्यूम, कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल नहीं डाला गया है जो कि इसकी प्योरिटी को डिस्टर्ब करे। तो जब भी आप इंग्रेडिएंट्स की बात करते हो तो इंग्रेडिएंट्स आपके जितने ज्यादा प्योर होंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको उस डीआईवाई का, उस रेमेडी का मिलने वाला है। सो इसीलिए मैं आपको हमेशा यहाँ पे विश केयर का जो जोजोबा ऑयल है वो सजेस्ट करूंगा। इसे परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब कितना दही लें और कितना जोजोबा ऑयल लें, बहुत सिंपल है। अगर आप बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो लगभग 100 ग्राम दही आपको चाहिए, और इस 100 ग्राम दही के अंदर लगभग 2 टेबलस्पून, मतलब कि लगभग 10 से 15 ग्राम आपका जोजोबा ऑयल जो कि हमने विश केयर से लिया है वो डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। ये मिक्स करने के बाद आपका बेहतरीन आपका हेयर स्पा क्रीम बनकर के तैयार हो गया है। इस हेयर स्पा क्रीम को अपने बालों की जड़ों से लेकर के बालों के एंड्स तक लगाइए और लगभग इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास में स्टीम कैप है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो इस स्टीम कैप को भी लगा करके आप 15 से 20 मिनट के लिए हीट दे सकते हैं, जिसकी वजह से जोजोबा ऑयल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, दही के अंदर भी जो लैक्टिक एसिड है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और स्टीम देने के बाद आधा एक घंटा फिर छोड़ दीजिए और फिर इसे प्लेन पानी से वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बालों का रूखापन कहीं दूर भाग गया है और आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ, शाइनी और स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं अपने चेहरे के लिए कैसे इसे इस्तेमाल करना है। तो चेहरे के लिए आपने जो पानी निकाल दिया है दही का, अगर आप उस दही को 1 टेबलस्पून लेते हो तो उसके अंदर लगभग 1/4 टेबलस्पून, मतलब कि 1/4 टेबलस्पून आपका जोजोबा ऑयल जो कि हमने विश केयर से लिया है वो ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इस पैक को अपने चेहरे पर लगाइए और लगा करके लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद चेहरे पर बहुत अच्छे से मसाज कीजिए और मसाज करके चेहरे को वॉश कीजिए। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर ग्लो आ गया है, आपके चेहरे पर जो डलनेस आ गई थी वो कहीं दूर भाग गई है और आपका चेहरा आपको बेस्ट दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस रूटीन को आप हफ्ते में एक बार कीजिए, संडे का दिन चूज कर लीजिए, संडे थोड़ा सा छुट्टी वाला दिन होता है आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए। ये सिर्फ दो चीजें इतनी ज्यादा कारगर हो सकती हैं जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सो मेक श्योर कि आप अपने रूटीन में इन दोनों ही टिप्स को जरूर शामिल करें और जो भी रिजल्ट आते हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये सिलसिला जिस तरह से आपने शेयर्स करने का, लाइक्स का और कमेंट्स का चालू रखा है बिल्कुल वैसे ही आप चालू रखेंगे। दोस्तों आपका प्यार आप इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।